गांव के छोटे से कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे हर दिन शाम को रामू काका बैठा करते थे। रामू काका की उम्र 70 साल थी और उनके जीवन के अनुभव की कहानियाँ गांव में मशहूर थी। लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी हर बात दिल से सुनते थे। एक दिन गांव में एक छोटा लड़का आया जिसे सब छोटू के नाम से जानते थे। छोटू की उम्र केवल 10 साल थी और वह अपने माता पिता को खो चुका था। उसे गांव के एक परिवार ने अपनाया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। छोटू का जीवन बहुत अधूरा सा था। छोटू अक्सर रामू काका के पास बैठता और उनसे कहानियाँ सुनता। रामू काका की कहानियाँ दिल को छू लेने वाली होती थी और छोटू को उनमें अपनी दुनिया मिलती थी। रामू काका ने भी छोटू में अपने बचपन की झलक देखी और उसे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगे। इससे गांव के लोगों में बहुत प्रभाव पड़ा। एक दिन रामू काका ने छोटू से कहा, बेटा क्या तुम जानते हो कि इस बरगद के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है। छोटू की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, कहाँ काका? मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढूंगा। यहाँ का यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा, सही समय आने दो। जब तुम्हारा दिल सच्चा होगा और तुम इस पेड़ की जड़ों को समझ पाओगे, तब तुम्हें खजाना मिलेगा। समय बीतता गया और छोटू रामू काका की बातें ध्यान से सुनता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। पेड़ों की जड़ें उखड़ गई और गांव के लोग परेशान हो गए। उस तूफान में रामू काका का भी निधन हो गया। छोटू का दिल टूट गया, लेकिन उसने काका की बातें यादें रखी। यह और भी मार्मिक हो गई। तूफान के बाद गांव वालों ने पेड़ की जड़ों को साफ करना शुरू किया। अचानक छोटू को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने देखा कि बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे एक पुराना बक्सा छुपा हुआ था। उसने उसे खोला और पाया कि उसमें पुराने सिक्के, गहने और एक पत्थर था। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पत्थर में लिखा था, प्रिय छोटू, यह खजाना तुम्हारे लिए है। इसे संभाल कर रखना और इसे सही तरीके से उपयोग करना। याद रखना, असली खजाना दिल की सच्चाई और प्रेम में है। रामू काका का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। छोटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने खजाना गांव के लोगों में बांट दिया और रामू काका की याद में एक छोटा सा स्कूल बनवाया। वह खुद भी शिक्षक बन गया और रामू काका की कहानियाँ बच्चों को सुनाने लगा।
यह अत्यधिक प्रेरणादायक थी। इस तरह रामू काका और छोटू का अनमोल रिश्ता जीवन भर के लिए एक मिसाल बन गया। इस कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि असली खजाना हमारे दिलों में होता है और सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। यह और भी गहराई से दिल में उतर गई। इस कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें वे हैं जो हमें दिल से जोड़ती हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।